सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है एंडी दीक्षित और मैं आपको क्लासेस दूंगा इंग्लिश की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक, एसएससी एंड मेनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था वर्ब के बारे में और ये प्रॉमिस किया था कि हम वर्ब को पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम वर्ब को बेसिक से लेकर के स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था वर्ब स्टार्ट कैसे हुआ, वर्ब के फंक्शंस क्या हैं, वर्ब कितनी तरीके की होती है। हमने वर्ब को बताया था फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से। उसमें आपको स्टार्ट किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, बिकॉज सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने आपको बताया था यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, किस प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, अगर सेंटेंस आईएनजी से स्टार्ट हो रहे हैं, बीइंग से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका रीजन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का पहला पार्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर कह सकते हैं कि हमने इस तरीके से सीखा था कि वर्ब वर्ड्स और सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं किसी भी सेंटेंस में, किस तरीके से हम उनको समझते हैं, किस तरीके से हम उनको जानते हैं, और अगर सेंटेंस कोई आईएनजी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि वर्ब एंड आईएनजी से स्टार्ट हुआ है, बीइंग से स्टार्ट हुआ है, तो उसका मतलब क्या रहता है, उसका नीड क्या रहता है, उसकी जरूरत क्या रहती है, उसका फ्रेमिंग किस तरीके से और क्यों किया जाता है अगर वो आईएनजी से स्टार्ट है। आज लेक्चर में जो कि वर्ब का दूसरा पार्ट है, अगर आप इससे पहले के पार्ट को देखना चाहते हो तो हमारा जो लास्ट वीडियो था, जो इससे पहले का वीडियो था वर्ब पार्ट वन, जिसमें हमने डिस्कस किया था, आप उसको जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आपको उसके बाद से समझ में आने लगेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब से, वर्ब पार्ट टू यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों, व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल, आखिर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या, मैं एक बार को लिख देता हूं। यह है आपका वर्ब का पार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में इट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर बात करी जाए, सो व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल, आखिर हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से फ्रेम होते हैं, डिफरेंट तरीके से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में यह भी आपने जाना था कि विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, अ सेंटेंस देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब। तो अगर वर्ब है तो वर्ब और कहां कहां और किस तरीके से काम करती है। अगर हम बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल का मतलब आपने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था, यानी कि आई एन जी। इन हिंदी सेंस इसका अगर हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसका हिंदी में सेंस आता है हुए या करके। अगर हम बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, अक्सर करके बहुत सारी जगह पर बताया जाता है कि अगर परफेक्ट का जिक्र हुआ है या प्रेजेंट पार्टिसिपल का जिक्र हुआ है, तो इनका नाम ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनका नाम ही परफेक्ट पार्टिसिपल है, और इनका प्रेजेंट परफेक्ट एटसेट्रा सेंटेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका यूज हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो आखिर इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा करके लोग आपको बताते हैं। बच्चों, ये टोटल बेकार की बात है, क्योंकि अगर इसका नाम रखा गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो डेफिनेटली इसका यूज है, इसका रिलेशन है प्रेजेंट से, प्रेजेंट टेंस से। अगर बात हो रही है परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो परफेक्ट सेंटेंस से इसका रिलेशन है। तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनका रिलेशन है, क्योंकि जब इनका नाम रखा गया है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। सो परफेक्ट पार्टिसिपल, देखो बच्चों, जहां कहीं भी परफेक्ट का जिक्र आए, जब कभी भी आप परफेक्ट के वर्ड को सुनते हो, तो आपके सामने दो चीजें आती हैं। व्हाट इज परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है, यानी कि पूर्ण, कंप्लीट होना अपने आप में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो अगर परफेक्ट की बात होती है, दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट का। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वो आपको ट्रांसलेशन सेंटेंस टेंस में समझ चुके होंगे। दोस्तों, जहां कहीं भी परफेक्ट का मतलब होगा इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होगा, तो डेफिनेटली परफेक्ट के लिए हम सेंटेंस को, टेंस को याद करते हैं। अब परफेक्ट की कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं, ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो परफेक्ट सेंटेंस को बनाती हैं, वो हमारी वर्ब्स होती हैं हैज, हैव,
और हैड। हैज हैव और हैड करके ये हमारी वर्ब्स हैं जो सेंटेंस को परफेक्ट बनाती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव एंड शैल हैव। तो अगर बात करी जाए परफेक्ट की तो हैज हैव और हैड का होना लाजमी है भाई, ये तो आएगा ही आएगा। और ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हैज हैव हैड। पार्टिसिपल की अगर बात करें तो आईएनजी, और जब इन दोनों का मिलाकर के यूज कर दिया जाए किसी भी सेंटेंस में तो वो बन गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए समझते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम पार्टिसिपल से रिलेटेड सेंटेंस को फ्रेम जो करते हैं, हम जो सेंटेंस को बनाते हैं वो सेंटेंस किस तरीके से होता है यूज। मैं रिपीट करूंगा, हमारे सामने दो सेंटेंस हैं क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि आखिर परफेक्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस बनते कैसे हैं। हमारे सामने दो सेंटेंस हैं और दोनों ही सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए हैं। सब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे, दोनों ही सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए हैं तो फर्स्ट हमें यह देखना है कि उनके सब्जेक्ट्स एक जैसे हैं या अलग अलग। इफ सब्जेक्ट्स आर सेम, आपके सब्जेक्ट एक जैसे हैं या अलग अलग। तो पहले भाई हमने देखा कि हमारे सब्जेक्ट एक जैसे हैं। सेकेंड टाइम हम ये देखेंगे कि इसमें पहला काम कौन सा हुआ है और दूसरा काम कौन सा हुआ है। सो विच वन इज फर्स्ट वर्क, तो मान के चलो ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया और ये हमारा सेकेंड वर्क हो गया। दिस इज फर्स्ट वर्क एंड दिस इज सेकेंड वर्क। ओके, सो हाउ टू यूज परफेक्ट पार्टिसिपल। वेन एवर वी टॉक अबाउट परफेक्ट देन वी फाइंड द वर्ब हैज हैव एंड हैड आर हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज विद दिस हेल्पिंग वर्ब वी मेक द सेंटेंस परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड हाउ टू यूज परफेक्ट पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड बोथ सेंटेंस आर स्टार्टेड विद सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर सेम, देन फर्स्ट फाइंड विच वन इज फर्स्ट वर्क एंड वेन एवर यू फाइंड दैट इन दिस सेंटेंस दिस इज फर्स्ट वर्क एंड रिमूव द सब्जेक्ट। हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि सबसे पहले दो सेंटेंस आपके सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए, दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों ही सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज किया गया है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे सब्जेक्ट एक जैसे हैं या अलग अलग, और दूसरे पार्ट पे हमें यह देखना है कि हमारा फर्स्ट वर्क कौन सा है एंड सेकेंड वर्क कौन सा है। ओके, यह हमारा फर्स्ट वर्क हो गया, ये हमारा सेकेंड वर्क हो गया। जो भी काम पहले होता है, जो भी फर्स्ट वर्क होता है, उसमें से हम सब्जेक्ट को उड़ा देंगे, और अगर इसको उड़ा डाला तो लाइफ जिंगल आला, इसको उड़ा देंगे। अब बात आती है कि सर इसको क्यों हटाया। जो पढ़ चुके हैं इस पार्ट को वो जानते होंगे कि इसको हमने क्यों हटाया, क्योंकि जब हम दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं तो केवल हमें एक ही सब्जेक्ट की नीड होगी, बिकॉज देयर इज नो रिपीटेशन इन वर्ड, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किसी भी एक सेंटेंस में वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं चलता, तो यहां पर जब सब्जेक्ट दो सेंटेंस अलग अलग हैं तो दोनों के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है, लेकिन यहां पर जब सेंटेंस को हम दोनों को मिलाकर के एक बना रहे हैं तो जो भी फर्स्ट वर्क है उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा देंगे और आईएनजी लगा देंगे, और आईएनजी लगाते ही वो आपका पार्टिसिपल बन जाएगा और दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस बन जाएंगे। बच्चों आपके सामने सेंटेंस आया, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, इन द सेकंड सेंटेंस आई वेंट टू माय बेड। ये आपके सामने दो सेंटेंस हो गए। पहले सेंटेंस में यूज किया गया है आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, एट द सेकेंड सेंटेंस में यूज किया गया है आई वेंट टू माई बेड, यानी कि पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, एंड सेकेंड सेंटेंस इज सेइंग दैट मैं सोने के लिए चला गया, मैं बिस्तर पर चला गया। सो इन फर्स्ट सेंटेंस आपने देखा कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, देन द सेकेंड सेंटेंस आई वेंट टू माई बेड, एंड बोथ सेंटेंस सब्जेक्ट आर सेम। तो पहला काम हमारा कंप्लीट होता है, इन बोथ सेंटेंस सब्जेक्ट आर सेम, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड देन सब्जेक्ट आर सेम और नॉट, देन यू फाइंड दैट सब्जेक्ट आर सेम। I had completed my work. I went to my bed. अब यहां पर यह देखना है आप लोगों को कि पहला काम कौन सा हुआ है और दूसरा काम कौन सा हुआ है। यस, सही पकड़े हैं, यहां पर पहला काम है आपका ये फर्स्ट वर्क, यानी कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, और दूसरा काम है ये मैं सोने के लिए चला गया। यही तो है भाई, पहले काम कंप्लीट होगा उसके बाद ही तो सोने के लिए जाएगा। ओके ना,
तो यहां पर पहला हुआ काम कंप्लीट और दूसरा वर्ब बस होने के लिए चला गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्क। अब हम इन दोनों को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाएंगे। जो भी आपका पहला काम है उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो, अगर सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो। सब्जेक्ट को उड़ा दिया, अब आपको पार्टिसिपल बनाना है, यानी कि आपको आईएनजी लगानी है। भाई आईएनजी किसमें लगाओगे, इसमें या इसमें? देन आप सब जान लो कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट वर्क में, फर्स्ट वर्ब में लगेगी, पहली क्रिया में लगेगी। देन अगर मुझे हेड में आईएनजी लगानी है तो क्या हो जाएगा, हेडिंग ना बच्चा। जिस तरीके से कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप इज एम आर वाज वर में आईएनजी लगाओगे तो आईएनजी जाके लगेगी बी में और ये हो जाएगा बींग। उसी तरीके से माय डियर, अगर आप हैज में आईएनजी लगाते हो, अगर आप हैव में आईएनजी लगाते हो या हैड में आईएनजी लगाते हो तो हैज हैव हैड की मेन। तो अगर आप हैज में आईएनजी लगाओगे, हैव में आईएनजी लगाओगे, हैड में आईएनजी लगाओगे, हैज हैव हैड की मेन वर्ब होती है हैव। आप हैज में आईएनजी लगाओगे तो भी आईएनजी हैव में लगेगा, अगर आप हैड में, हैव में आईएनजी लगाओगे तो भी हैव में लगेगा, अगर आप हैड में लगाओगे तो भी हैव में लगेगा और यह हो जाएगा आपका हैविंग। क्या हो जाएगा, हैविंग। यानी कि अगर आप हैज में आईएनजी लगाओ तो भी हैविंग, हैड में आईएनजी लगाओ तो भी हैविंग, और अगर आप हैव में भी आईएनजी लगाओगे तो भी हैविंग ही होगा। और आप सब जानते हो कि हैज हैव हैड में आईएनजी लगाने पर हैविंग बनता है, हेड में आईएनजी लगाने पर भी हैविंग ही बनेगा। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैज हैव हैड, यू नो इट वेरी वेल। देन सिंपल हम हेड के साथ में आईएनजी लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारे, देखो एक बार और हमारे सामने दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे हैं। जो काम पहले हुआ है उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो, आईएनजी लगा दो, आईएनजी जाके लगेगी हेड में और ये हो जाएगा हैविंग। And whenever you find in a newspaper, in a magazines, के sentence started with having, then find, then understand, then first why we use having in a sentence, what is the need of having in a sentence, sentence में having का मतलब क्या है, has have had से मिला करके having बना है, so यहां पर हम इसको connect करते हैं, having completed my work, has have had के साथ तो third form आता ही है, I went to my bed. सिंपल, यह मतलब होता है किसी भी सेंटेंस में हैविंग का यूज होने का। और अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस में हैविंग मिलता है तो उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि हैज हैव हैड से मिलकर के ही तो बना है हैविंग। इसीलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, क्योंकि हैज हैव हैड से ही मिलकर के बना है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट से ही मिलकर के हैविंग बनेगा, इसलिए इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। हैड में आईएनजी लगाया, हैविंग हो गया, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आ गया, माई वर्क इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आर सेम, इसलिए दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाया है, एक ही सब्जेक्ट बहुत है। देन हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, आई वेंट टू माई बेड। सिंपल, इट इज द यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर दोस्तों? ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल क्वेश्चन आया आपके सामने दोस्तों, हैविंग द लेटर पोस्टेड ही रिटर्न, हैविंग द लेटर पोस्टेड ही रिटर्न। अगर इस टाइप का, वैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा भी बना सकते थे, बहुत लंबा भी बना सकते थे, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते थे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। आपके सामने आ गया हैविंग द लेटर पोस्टेड ही रिटर्न, यानी कि लेटर को पोस्ट करने पर वो वापस आ गया, करने के बाद वो वापस आ गया। देन सिंपल, हैविंग द लेटर पोस्टेड ही रिटर्न। अब बच्चों, अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन में एरर देखना होगा तो केवल और केवल हमें यह समझना होगा कि हैविंग का मतलब क्या है। माय डियर, हैविंग बना है हैज हैव हैड से, द लेटर पोस्टेड ही रिटर्न। तो हैज हैव हैड से, हैज हैव हैड में आईएनजी लगाया गया, हैविंग बना, आईएनजी क्यों लगाया गया, क्योंकि हम दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं, दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। यहां पर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही रिटर्न, यानी कि वो वापस आ गया अपने घर पर, अपने ऑफिस पर, उसने लेटर पोस्ट कर दिया था। अब यहां पर हैविंग द लेटर पोस्टेड ही रिटर्न, क्लियर? तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले समझेंगे हैविंग सही है, क्योंकि हैज हैव हैड में आईएनजी लगा करके हैविंग बना है। यस, द लेटर पोस्टेड थर्ड फॉर्म भी आ गई,
लेकिन अगर मुझे ये पता होगा कि हैज हैव हैड से मिलकर के हैविंग बना है, हैज हैव हैड में आई एन जी लगा करके हैविंग बना है, तो मैं इजीली एरर को फाइंड आउट कर लूंगा। आप सब जानते हो अभी अभी आपको बताया कि हैज हैव और हैड में आई एन जी लगा करके हैविंग बनता है, यस ना? तो यहां पर डेफिनेटली हैड होगा। आप सब ये भी जानते हो कि हैज हैव हैड इज हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, यानी कि हैज हैव हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म आती है वो हैज हैव हैड के तुरंत बाद आएगी। तो यहां पर हैज हैव हैड के साथ में मेन वर्ब आनी चाहिए थी। अलग अलग करके देखते हैं, यहां पर अलग सब्जेक्ट को हटाया होगा, जो भी ही है, यानी कि सब्जेक्ट आर सेम, उसने ही लेटर को पोस्ट किया वही वापस आ गया, तो सब्जेक्ट को हटाया होगा। तो इसको अलग अलग करके देखते हैं, यहां पर इसको अलग अलग किया तो यह सेंटेंस बना, ही हैड द लेटर पोस्टेड, ही रिटर्न। सेकेंड सेंटेंस तो हमारा ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, द लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और पोस्टेड हमारी मेन वर्ब हो गई। जबकि आप सब जानते हो कि हैज हैव हैड के साथ में ही थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव हैड के साथ में ही मेन वर्ब आएगी, तो दिस पार्ट इज रॉन्ग। अब इसको करेक्ट करेंगे तो ये होगा ही हैड पोस्टेड द लेटर फुल स्टॉप, ही रिटर्न। ये सेंटेंस सही हुआ। जब सेंटेंस सही हुआ तो यहां पर ही सब्जेक्ट है, यहां पर भी ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आर सेम, एंड व्हेन एवर यू फाइंड द सब्जेक्ट आर सेम देन रिमूव द सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट वर्क, यहां से सब्जेक्ट को उड़ा दिया, ओके, और आई एनजी लगा दिया, हेड में आई एनजी लगाया, क्या हो गया, हैविंग। थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है पोस्टेड, द लेटर ही रिटर्न। ये हुआ आपका सही। देन एरर किस पार्ट में था, इस पार्ट में, क्योंकि सेंटेंस होना चाहिए था हैविंग पोस्टेड द लेटर। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सेंटेंस फ्रेम करते हैं, किस तरीके से हम सेंटेंस में वर्ड्स का यूज करते हैं, और जब हम सेंटेंस में वर्ड्स को यूज करने लग जाएंगे, करना सीख जाएंगे कि हैविंग क्यों यूज हुआ, हैविंग क्यों यूज हुआ, जब मुझे ये पता चल जाएगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि उसके साथ में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि हैज हैव हैड से मिलकर के ही तो हैविंग करा है, देन सिंपल हम इजीली एरर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। और आप पूरे वर्ब में, क्योंकि वर्ब में बहुत सारे पार्ट्स में देने वाला हूं, एक एक चीज को अलग अलग तरीके से और सेंटेंस फ्रेम कैसे किया गया है, इस सारे तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह हुआ आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का फ्रेमिंग बताया कि सेंटेंस में वर्ड्स को एंड वर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है, और आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने आपको बताया परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, यहां पर आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं जो कि प्रेजेंट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल से हैं। यहां लिखा हुआ है अ फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, इट मींस प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों ही पार्टिसिपल से। और इस बात को भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जैसे आपको बताया जाता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम है, परफेक्ट पार्टिसिपल इसका नाम है, लेकिन इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है प्रेजेंट और पास्ट एंड परफेक्ट से, तो डेफिनेटली है, ये भी आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इनका संबंध है, क्योंकि इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल रखा गया तो वो सेंटेंस परफेक्ट में होता है, इसलिए उसको पार्टिसिपल बनाना पड़ता है, तो वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। यहां पर हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो डियर क्लास फ्रेंड्स, यहां लिखा हुआ है द स्टेबल डोर बीइंग ओपन द हॉर्स वाज स्टोलन। यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेबल का जो दरवाजा था वो खुला था, द हॉर्स वाज स्टोलन, यानी कि स्टोलन यानी कि हॉर्स को चुरा लिया गया। द सेंटेंस इज इन पैसिव बिकॉज व्हेन एवर सेंटेंस स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट एंड इफ यू फाइंड वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म देन द सेंटेंस इज इन पैसिव, बिकॉज यहां चुराने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हॉर्स पर,
चुराए किसको जा रहा है? हॉर्स पर, हॉर्स को। तो हॉर्स यहां पर ऑब्जेक्ट है, और अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव में है। आप प्लीज सबसे पहले मेरी क्लास में सबसे पहले आप खुद समझेंगे, खुद कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आखिर यार ये वर्ड है क्या। देखिए मैं आपको इंट्रो में भी बता चुका हूं, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सा वर्ड कहां पर क्यों आया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस, व्हाई वी यूज दिस वर्ड हियर, देन सिंपल जब तक आप नहीं पता कर पाएंगे कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रपोजिशन है, ये कंजक्शन है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है या फिर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स रूल्स एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जब आप हॉट सीट पर बैठते हो सामने कंप्यूटर स्क्रीन के, तो वहां पर आपको कुछ भी याद नहीं रहता, केवल आपका कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में रहता है। तो देखिए सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, हमें कैसे पता चला सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, क्योंकि चुराने वाला तो कोई और है ना, चोर है चुराने वाला, चोर के बारे में पता नहीं गया, चुराया क्या गया है, हॉर्स को, घोड़े को चुराया गया है, तो चुराने का इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, घोड़े पर, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट है, ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट तो चोर है। खैर हम समझते हैं फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों देखो हम फर्स्ट सेंटेंस को यहां पर आंसर देंगे इसके। फर्स्ट सेंटेंस है द स्टेबल डोर बीइंग ओपन द हॉर्स वाज स्टोलन। मान के चलो ये आपकी कॉमन एरर में इस टाइप का सेंटेंस आ गया, ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले किस तरीके से करोगे तो समझते चलिएगा प्लीज। तो देखो यहां पर द स्टेबल डोर बीइंग ओपन द हॉर्स वाज स्टोलन, अगर हम इसको अलग अलग करके बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों ये सारे के सारे सेंटेंस जो आपके सामने लिखे हुए हैं यहां पर सब में कॉमा लगाया हुआ है मैंने, अगर वहां पर हमारे पास कॉमा भी नहीं होता बिकॉज उसमें बताया भी जाता है डायरेक्शन में, जब आप SSC और बैंक के एग्जाम देते हो कि देयर इज नो नीड ऑफ कॉमा, सिंपल आइडेंटिफाई एंड फाइंड द एरर विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, ये नहीं कि आप उसमें पंक्चुएशन वगैरह देखेंगे। तो देखो कॉमा लगा करके सब सेंटेंस अलग भी किए गए हैं आपके सामने, तो फर्स्ट सेंटेंस है तो देखने में ये सारे सेंटेंस एक एक लग रहे हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है, ये दो सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाया गया है। यहां पर पहला है द स्टेबल डोर बीइंग ओपन, यानी कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था व्हेन एवर यू फाइंड डिफरेंट सब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस, जब आपको दोनों ही सेंटेंस में डिफरेंट सब्जेक्ट मिलेंगे तो आप दोनों ही सब्जेक्ट का यूज करोगे और पार्टिसिपल का भी यूज करोगे। तो देखिए यहां पर पहला सब्जेक्ट हुआ स्टेबल और यहां पर दूसरा पॉइंट हुआ आपका हॉर्स, दोनों ही अलग अलग हैं इसलिए दोनों को यूज किया गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग, आप सब समझ गए थे कल के लास्ट के लेक्चर में, जो भी हमने लास्ट लेक्चर लिया था जब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था कि इज एम आर वॉज एंड वर्ब में आईएनजी लगा करके बीइंग होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपका यह सॉल्व होगा द स्टेबल डोर वॉज ओपन द हॉर्स वॉज स्टोलन, फुल स्टॉप एंड दिस इज नॉट कॉमा, दिस इज फुल स्टॉप। इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग करके, ये दोनों सेंटेंस सॉरी अलग अलग हैं, इन दोनों को एक करके बनाया गया। यहां पर क्या हुआ, द स्टेबल अलग हुआ, द हॉर्स अलग नाउन हुआ, ये दोनों नाउन अलग हैं दोनों ही सेंटेंस में, पहला काम ये हुआ है, दोनों ही नाउन जब अलग अलग होते हैं तो हम दोनों को ही लिखते हैं और वॉज में आईएनजी लगाते हैं, आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है। एंड इट इज द स्टेबल डोर वॉज ओपन फर्स्ट सेंटेंस हुआ, द हॉर्स वॉज स्टोलन सेकेंड सेंटेंस हुआ। एक और मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, यहां पर पता करेंगे द इज आर्टिकल, स्टेबल अस्तबल यानी कि यह हमारा क्या हो गया नाउन, डोर दरवाजा ये भी हमारा नाउन हो गया। यहां पर स्टेबल काम अगर हम सोचें कि स्टेबल किसका काम कर रहा है, दरवाजा तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो यहां पर जो स्टेबल इज एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। यहां पर वॉज हमारा क्या हो गया, इट्स अ लिंकिंग वर्ब। यहां पर ओपन, ओपन ना, यहां पर ओपन माने खोलना, ये वर्ब भी होता है लेकिन ओपन एक एडजेक्टिव भी होता है, इसका मतलब है खुला हुआ, देन दरवाजा खुला हुआ था, तो यहां पर वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अगर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे गाइस अगर आप फ्रेंड्स समझ रहे हैं कि यहां पर थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आया, सेंटेंस पैसिव में है ये वर्ब है, तो बच्चों यहां पर ये वर्ब की तरह नहीं आया है, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह आया है। तो एडजेक्टिव ओपन है और वर्ब भी ओपन है, तो सिंपल ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, इसको मिलाकर के एक बनाया, क्लियर ना। दूसरा समझते हैं, बींग चार्म विद द सिल्क माई सिस्टर बॉट 10 years, यानी कि सिल्क रेशम से किसको प्यार नहीं होता। तो सिल्क, वैसे सिल्क से याद आ गया क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सिल्क तो खाना बनता है। ओके खैर हम बात करते हैं बींग चार्म विद द सिल्क, यानी कि रेशम से प्यार होने की वजह से माई सिस्टर बॉट 10 yards, मेरी सिस्टर ने जो है वो 10 गज का कपड़ा खरीद लिया।
वैसे सिस्टर लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा भी थोड़ा सा चार्म किसी से हो जाए देन ज्यादा चाहिए। तो सिंपल यहां पर क्या यूज हुआ कि बींग चार्म विद सिल्क माई सिस्टर बॉट 10 yards। सबसे पहले यह पता करना है यार कि यहां पर बींग चार्म विद सिल्क माई सिस्टर बॉट 10 yards कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं या एक ही है, क्योंकि इतना तो आपको पता चल ही गया है कि बींग का यूज क्यों करते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब में आईएनजी लगा करके बींग यूज होता है। देन सिंपल यहां यूज हुआ बींग चार्म विद सिल्क माई सिस्टर बॉट 10 yards। एक बात बताओ, अगर सिल्क से प्यार होगा, अगर सिल्क से मोह होगा, अगर सिल्क से चार्म होगा तो किसको होगा? मेरी बहन को, मेरे सिस्टर को, और खरीदा भी उसी ने, तो सब्जेक्ट्स आर सेम। ये वाला सेंटेंस हमारा सही कनेक्ट था। दूसरे में हम देख रहे हैं कि बींग चार्म विद द सिल्क यानी कि सिल्क से बहुत ज्यादा प्यार होने की वजह से मेरी सिस्टर ने 10 yards कपड़ा खरीद लिया, तो यहां पर बींग चार्म विद द सिल्क में सब्जेक्ट एक जैसे हैं। यस, क्योंकि उसी को प्यार था। हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से होगा, सॉल्व क्या, सॉल्व तो वो है ही, हम इसको इसके क्वेश्चन में लेकर के जा रहे हैं कि सेंटेंस अगर अलग अलग करते तो कैसा होता। पहले मैंने आपको दो सेंटेंस को अलग करके एक सेंटेंस बना करके दिखाया था, अभी हम बने हुए सेंटेंस कनेक्टेड सेंटेंस को अलग अलग कर रहे हैं। तो यहां पर बींग चार्म विद द सिल्क माई सिस्टर बॉट 10 yards। अब हम इसको अलग अलग करते हैं क्योंकि हमने पार्टिसिपल में आपको अब तक जो बताया था वो ये बताया था कि हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना रहे थे, लेकिन यहां पर हम कनेक्टेड सेंटेंस को अलग अलग करके देख रहे हैं, जिससे कि हमें ये अंदाजा हो जाएगा और हम कंफर्म हो जाएंगे कि सेंटेंस में इस तरीके से वर्ड्स का यूज किया जाता है, इस तरीके से सेंटेंस को कनेक्टेड आपके सामने रखा जाता है। तो यहां पर सेंटेंस में मेरी सिस्टर को ही चार्म था, मेरी सिस्टर ने ही 10 yards खरीदा, तो सेंटेंस को अगर हम अलग अलग करते हैं तो माय सिस्टर वॉज चार्म विद द सिल्क माय सिस्टर बॉट 10 yards। मेरी सिस्टर को, मेरी सिस्टर यानी कि बहुत ज्यादा प्रेम करती थी यानी सिल्क से, सिस्टर यहां पर है, सिस्टर के लिए यहां पर हमने सिस्टर लिख दिया, यहां पर सिस्टर ना लिख करके अगर हम यहां पर शी लिख देते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि सिस्टर के लिए हमने शी यूज कर दिया। दोनों सेंटेंस में नाउन एक जैसे हैं, यहां पर भी शी सिस्टर के लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट एक जैसे हैं। यहां पर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट आर सेम, तो इसको हटाया, वॉज में आई एनजी लगाया, क्या हो गया, बींग। यहां पर थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, चार्म विद द सिल्क यानी कि सेंटेंस पैसिव में है और यहां पर माई सिस्टर बॉट 10 yards। अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो तीसरे में बताया गया है कि हैविंग नो फॉडर दे कुड गिव द काउ नथिंग टू ईट। यहां पर भी ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल से। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग हैविंग नो फॉडर दे कुड गिव द काउ नथिंग टू ईट। हैविंग नो फॉडर, चारा नहीं होने की वजह से दे कुड गाउ नथिंग टू ईट यानी कि वो गाय को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सके। अब यहां पर फॉर्डर यानी कि चारा किसके पास नहीं होगा, उन्हीं के पास नहीं होगा, इट इज फ्रॉम परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसा कि अभी बताया गया आपको। चारा किसके पास नहीं होगा, उन्हीं लोगों के पास में, सब्जेक्ट आर सेम एंड वेन एवर यू फाइंड डिफरेंट सब्जेक्ट यू विल रिमूव फर्स्ट, यू विल रिमूव सब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्क। यहां पर इसको अलग अलग किया जाए तीसरे क्वेश्चन को तो यह बनेगा दे हैड no further दूसरा they could give the cow nothing to eat। देखिए फ्रेंड्स, दे हैड नो फॉर्डर यानी कि उनके पास चारा नहीं था, वे गाय को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सके। सब्जेक्ट आर सेम, दो सेंटेंस हैं अलग अलग। पहला काम कौन सा हुआ ये, भाई खाने के लिए तभी तो नहीं दे पाएंगे वो जब उनके पास चारा नहीं होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट एक जैसे हैं, जो भी फर्स्ट वर्क है उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो।
क्योंकि हम दोनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो जब दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग जरूरी है। जब दोनों को मिलाकर के एक बना रहे हैं तो यार एक ही सब्जेक्ट जरूरी है, एक ही वर्ड जरूरी है, रिपीटेशन नहीं चलता, तो इसलिए इसको हटा दिया। हेड में आईएनजी लगाया गया, क्या हो गया, हैविंग। अभी अभी आपको बताया था हैज, हैव और हेड में आईएनजी लगा करके हो जाता है हैविंग एंड थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हैविंग। उसके बाद में आपने लिख दिया यहां पर नफ ऑर्डर और हमारा सब्जेक्ट एक ही है, तो यहां पर सब्जेक्ट को उड़ा करके हैविंग, उसके बाद में हेड में आईएनजी लगाया था तो हैविंग हो गया। नो फॉर्डर यूज कर दिया, फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा लगा दिया, दे कुड गिव काओ नथिंग टू ईट। ये आपका तीसरा सेंटेंस अलग अगर अलग अलग करके देखा जाए तो वो ऐसे था, दे हैड नो फॉर्डर, दे कुड गिव द काओ नथिंग टू ईट। फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं डियर क्लास। फोर्थ सेंटेंस में जो अगर बात हो रही है तो वो बात हो रही है कि स्टगरिंग बैक, यानी कि स्टगरिंग बैक। स्टगर मीन्स होता है लड़खड़ाना, फॉर्डर मीन्स होता है चारा, जो अभी हमने अभी डिस्कस किया। स्टगर मीन्स होता है लड़खड़ाना, बैक यानी कि दोबारा से, ही सैंक टू द ग्राउंड यानी कि वो ग्राउंड की तरफ लुढ़क गया, ग्राउंड की तरफ गिर गया, डूब गया। देन स्टगरिंग बैक, वही आदमी लड़खड़ाया था और वही डूबा, वही गिरा। यह सेंटेंस कनेक्टेड है इसलिए सब्जेक्ट एक यूज किया गया है। जब सेंटेंस आपके अलग अलग होंगे तो क्या होता है, ही, फोर्थ सेंटेंस में देखेंगे, ही स्टगर्ड बैक, फुल स्टॉप, ही सैंक टू द ग्राउंड, ही स्टगर्ड बैक यानी कि वो जो है दोबारा से लड़खड़ाया, वो डूब गया, वो गिर गया। तो यहां पर सब्जेक्ट आर सेम, यू रिमूव द सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट वर्क, आईएनजी ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड कर दिया बैक, और इस तरीके से आपका पार्टिसिपल बनके तैयार। हम फिफ्थ सेंटेंस में समझते हैं, हैविंग रिजॉल्व्ड ऑन अ सर्टेन कोर्स ही एक्टेड विद वेगर, यानी कि Having resolved, उसने बहुत ही ज्यादा मन बना लिया, उसने जो है दृढ़ निश्चय कर लिया, with a certain, on a certain course, यानी कि किसी एक कोर्स पर, he acted with vigor, यानी कि उसने बड़ी साहस से acted किया, साहस से उसने जो है एक्शन किया, साहस का कारनामा दिखाया, यानी कि उछल गया, कूद गया, that is, he acted with vigor, बहुत खुश हो गया। यहां पर resolve किसने किया है, उसी बंदे ने, और acted with vigor किसने किया, उसी बंदे ने, then subject are same, जो सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं यहां पर हटाया गया होगा। तो हम फिफ्थ नंबर के सेंटेंस को अगेन अलग अलग करके देखते हैं, तो अलग अलग करके बनेगा, ही हैड रिजॉल्व्ड ऑन अ सर्टेन कोर्स, ही एक्टेड विद विगर। अब यहां पर सब्जेक्ट आर सेम, पहला काम हुआ है ये, पहले तो उसने डिसाइड किया होगा, रिजॉल्व किया होगा कि हां मुझे ये वाला कोर्स करना है, तभी तो वो खुशी से उछला होगा। तो यहां पर ही हैड रिजल्व ऑन अ सर्टेन कोर्स, वो किसी कोर्स पर बहुत ही ज्यादा आशा कर चुका था, उस पर दृढ़ निश्चय कर चुका था, निश्चय कर चुका था। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट वर्क हुआ, ये हमारा सेकंड वर्क हुआ। जैसा कि अभी अभी बताया गया, अगर सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो जो फर्स्ट वर्क होता है उसमें से सब्जेक्ट को हटा दो, हेड में आईएनजी लगा दो, हैविंग हो जाएगा, बना बन गया आपके सामने। इट इज हैविंग रिजॉल्व ऑन अ सर्टेन कोर्स ही एक्टेड विद विगर, हैविंग रिजॉल्व ऑन अ सर्टेन कोर्स comma, he acted with vigor। ये हो गया आपका फिफ्थ सेंटेंस। और अगर हम इसको समझते हैं सिक्स नंबर को, तो बच्चों यहां पर बताया गया है, being badly written, he, I had great difficulty in making out its content। यानी कि being badly written, बहुत बेकार तरीके से लिखे हुए होने के कारण, बहुत बेकार तरीके से लिखा हुआ था, I had great difficulty, अरे यार मुझे बहुत परेशानी हुई in making out its content, यानी कि इसके content को समझने में, समझ पाने में। अक्सर करके होता है ना, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं जैसे खुद पढ़े या खुदा पढ़े, हो सकता है मेरा भी content, मेरा भी writing आपको ऐसा लग रहा हो कि परेशानी हो रही हो, लेकिन समझने की कोशिश करना। तो देखिए, Being badly written, I had great difficulty in making out this content. तो देखने में हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, अक्सर करके बहुत प्यारा लग रहा है। तो being badly written, I had great difficulty in making out its content. अक्सर ये भी कहा जाता है कि तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहिए सेंटेंस पर जब तक वो बहुत सुंदर, ब्यूटिफुल, प्रेटी ना लगने लगे। ओहो, बट being badly written, I had great difficulty. सब्जेक्ट तो हम एक तब लिखते हैं माई डियर, सब्जेक्ट तो हम एक तब लिखते हैं माय डियर
जब सब्जेक्ट एक जैसे हो। यहां पर जो बुरी तरीके से लिखा हुआ है वो क्या है, कुछ ना कुछ होगा ना, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई भी हमारा लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट है, यानी कि वो अलग चीज है, वहां पर अलग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, जो कुछ भी है वहां अलग नाउन होगा और यहां पर ये अलग नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इसको अगर असलियत में लिखेंगे तो मान के चलो वो कुछ और है, वो लेटर है, तो द लेटर। पहले तो हम इसको एक तरीके से बना के देखते हैं, सब्जेक्ट एक जैसा है, हम सब्जेक्ट को यहां से क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक जैसा होता है, यहां पर अगर हम उसी को लगा करके देखते हैं तो ये हो जाएगा आई वॉज बैडली रिटन फुल स्टॉप, आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट इट्स कंटेंट। आई वॉज बैडली रिटन, मैं बहुत बेकार तरीके से लिखा हुआ था। सब्जेक्ट एक जैसे नहीं हो सकते मेरे दोस्त, यहां पर कुछ और ही है। यहां तो कह सकते हैं इट वॉज बैडली रिटन, जो कुछ भी था वो बेकार तरीके से लिखा हुआ था। अगर वो यहां पर इट था तो सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, क्या आना चाहिए, इट, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पार्टिसिपल में बताया था, व्हेन एवर यू फाइंड डिफरेंट सब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंस यू विल यूज बोथ सब्जेक्ट विद पार्टिसिपल विद आईएनजी, देन इट होना चाहिए था, क्योंकि रिटन तो कुछ और ही होगा, नॉन लिविंग होगा, इट लगा दिया, यहां पर सब्जेक्ट आई हो गया, दोनों तरफ डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए। पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट जो होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगा करके उसको पार्टिसिपल बनाते हैं, और अगर दोनों ही सब्जेक्ट अलग होते हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट को अलग अलग लिखते हैं। इति श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्तम, श्री हरिनुमा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर यूज हुआ इट वॉज बैडली रिटन, आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी, यहां पर इट हुआ तो यहां पर इट होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं तो दोनों ही तरफ सब्जेक्ट लिखेंगे। मान के चलो वो लेटर था जो बहुत बेकार तरीके से लिखा गया था, द लेटर, तो यहां पर द लेटर होना चाहिए, द लेटर बींग बैडली रिटन आई हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग आउट इट्स कंटेंट। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यहां पर जब मैंने इसको अलग अलग करके बताया तो अलग अलग करके हमारे सामने आया कि कुछ जो बेकार तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से लिखा हुआ था वो तो कुछ और ही था, और यहां पर जो समझने में परेशानी हो रही थी वो मुझको हो रही थी, माई डियर। तो सब्जेक्ट आर डिफरेंट, देन वेन एवर यू फाइंड डिफरेंट सब्जेक्ट यू विल यूज बोथ सब्जेक्ट विद आई एन जी विद पार्टिसिपल। तो ये थे आपके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी थे, परफेक्ट पार्टिसिपल से भी थे, जिसको हम अच्छे से देखे और समझे। ओके? तो गाइस, आज मैंने आपको बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल। मैं परफेक्ट पार्टिसिपल में एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने आज आपको बताया था, ये तो हमने बीच में कुछ क्वेश्चंस दे दिए थे, लेकिन वर्ब में जो बात चल रही थी वो चल रही थी नॉन फाइनाइट वर्ब में परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैज, हैव और हैड में आई एन जी लगा देना। हैज में आई एन जी लगाओ, हैड में लगाओ, हैव में लगाओ, आई एन जी जाके लगेगी हैव में और ये हो जाएगा हैविंग, रिपीट कर रहा हूं मैं, एंड थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप सब जानते हो हैज एवेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज एवेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए इसके साथ भी लगेगा। जैसा कि अभी आपको एक सेंटेंस दिया था मैंने, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट to my bed, तो ये मैंने आपके सामने रखा था, ये दोनों एक ही सेंटेंस है, अलग अलग किया जाएगा तो ये बनेगा I had completed my work, I went to my bed। अब यहां पर बच्चों, यहां पर सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? यहां पर सेंटेंस अलग अलग हैं, सब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो पहला काम हमारा ये देखना बनता था कि सब्जेक्ट आर सेम और नॉट। तो हमने यहां पर देखा कि सब्जेक्ट एक जैसे हैं, फिर हमको देखना है पहला काम कौन सा है और दूसरा काम कौन सा, इट इज योर फर्स्ट वर्क, इट इज सेकंड वर्क। तो यार फ्रेंड्स, यहां पर जो है सब्जेक्ट ये हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड वर्क, जो भी पहला काम होता है उसमें से सब्जेक्ट को उड़ा दो, आई एन जी लगा दो, हेड में आई एन जी लग गया, हैविंग बन गया, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई वेंट टू माई बेड। ये मैंने दिया था नहीं आपको, अभी समझाया था। अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आया आप सभी के लिए, हैविंग पनिश्ड इन द क्लास ही वॉज सेंट टू हिज होम, 1, 2, 3, 4 एंड नो एरर। If you say that the error is in first part, then click first, second, third, fourth। और अगर आप कहते हो कि सर सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है,
बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए बताने के लिए कि सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है. सो हैविंग पनिश्ड इन द क्लास ही वॉज सेंट टू हिज होम. बताओ किस पार्ट में गलती लग रही है आपको. हैविंग पनिश्ड इन द क्लास ही वॉज सेंट टू हिज होम. मैंने आपको हैविंग कैसे बनाया, सब्जेक्ट जब एक जैसे होंगे तो जो भी काम पहले हुआ है उसमें से सब्जेक्ट को हटाना है. अगर वो परफेक्ट में है यानी कि पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव हैड होगा, हैज हैव या हैड तीनों में किसी में भी आईएनजी लगाओ हैविंग हो जाएगा. हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, यहां थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हैविंग पनिश्ड इन द क्लास सही है. कुछ कह रहे होंगे ही वॉज सेंट टू हिज होम. सर वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म आ गई है. बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर करेंगे. ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि आप सब अगर फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट लेक्चर से एंड तक के सारे लेक्चर देखोगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे अपना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे अपना, बिल्कुल क्लियर करोगे अपना. तो यहां पर हैविंग पनिश्ड इन द क्लास ही वॉज सेंट, बच्चों वॉज के साथ में जो थर्ड फॉर्म लग रही है ना ये सही है, इस पर मत पहुंचना फ्रेंड्स, इसकी तरफ मत जाना. वॉज के साथ थर्ड फॉर्म सही है. जब कभी भी हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आए, पापा ने कहा बेटा चेयर लेके आओ, आपने कहा पापा चेयर तो टूटी हुई है, क्या बोलोगे, ब्रोकन चेयर, मेरी खोई हुई किताब, इट इज लॉस्ट बुक, ब्रोकन चेयर. तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम हो रहा है. यहां ही वॉज सेंट, अगर हम उसी बात को बोले द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर वॉज ब्रोकन, मैसेज वॉज सेंट, मेल वॉज सेंट. जब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है वो होता है पैसिव. जनरली हम एक्टिव एंड पैसिव को लेते हैं, एक्टिव एंड पैसिव आर द पार्ट्स ऑफ ग्रामर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रामर, इट्स अ वे ऑफ ट्रांसलेशन. व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट इट विल यूज इन पैसिव फॉर्म्स, एंड इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट इट विल यूज इन एक्टिव फॉर्म्स. इट इज डिफरेंस, इट इज अ वे ऑफ ट्रांसलेशन. ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो ये तरीका होगा ट्रांसलेट करने का, अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो बेटा ये तरीका होगा ट्रांसलेट करने का. जब वो सामने चीजें आई तो वो एक्टिव पैसिव, वो माई गॉड कितनी सारी चीजें आप सबके लिए आ गई हैं. ओके चलो तो ये पैसिव में है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में ही लगती है. द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर वॉज ब्रोकन, द या फिर द बैग वॉज लॉस्ट बस्ट. तो यहां पर वॉज के साथ में आ गई आपकी थर्ड फॉर्म और यहां पर हो गई हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म. तो बच्चों यहां पर गलती है ये वाले पार्ट की, दिस वन इज रॉन्ग. वाई दिस कोल आ वेरी डी, पिछले आधे घंटे से ऊपर हो गया हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल को डिस्कस कर रहे हैं. बट यार यहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म क्यों गलत है, ओ एम जी क्यों गलत है, सोचना तो बनता है, लेवल बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, कोई ना कोई रूल होगा. नो कोई रूल नहीं होता, कोई रूल नहीं होता. एज पर द नीड ऑफ सेंटेंस, एज पर द डिमांड ऑफ सेंटेंस वी यूज वर्ड्स माई डियर. चीजों की जरूरत होती है, चीजें बदलती हैं. आज हमें बर्गर की जरूरत है, बर्गर खाएंगे, कल मेरा मन कर रहा होगा पिज्जा खाने का, पिज्जा खाऊंगा. चीजों की जरूरत होती है, चीजें बदलती हैं. तो यहां पर जरूरत थी इसलिए बदला कुछ, रूल नहीं होता. रूल ले लेकर के अपने दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान मत करो के रूल रूल रूल, चीजों को समझो समझो समझो. न्यूज़पेपर लेकर के बैठा करो, न्यूज़पेपर में पता किया करो, मुझे कमेंट करोगे तो बताना कि सर इस तरीके से आपने सेंटेंस फ्रेमिंग बताया और ये यहां पर डिफरेंट तरीके से यूज हुआ है. यार करो, देखो मैं इतना नहीं कहूंगा कि जनरली आई एम परफेक्ट इन दिस, बट सिंपल जो कुछ भी है वो आपके सामने है. हैविंग पनिश्ड इन द क्लास ही वॉज सेंट टू हिज होम. देखो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है लेक्चर भी बढ़ जाए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यहां पर आप पूरा फोकस ले आओ अपना, छोटी से लेकर के एड़ी तक का पूरा फोकस. देखो अगर बच्चों सेकंड सेंटेंस को देखा जाए तो सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि ही वॉज सेंट टू हिज होम, यानी कि घर भेजा गया. तो भेजा किसको गया है, इस बंदे को. मान के चलो ये आप हो और आपको घर भेज दिया गया तो पनिशमेंट भी किसको मिला, आपको. वैसे यार वो दिन याद आते हैं बहुत, जब जहां पर पनिशमेंट मिलता था, घर भेज दिया जाता था तो मजे आ जाते थे, वो पनिशमेंट नहीं होता था. बट वी डिस्कस कि यहां पर मान के चलो तुम हो
और आप लोगों को घर भेज दिया गया, आप में से किसी को घर भेज दिया गया, सेंट भेजा जा रहा है इसको, इसको घर भेज दिया गया। किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस जो मैं अक्सर पूछता हूं, राम पिट गया, केवल इस सेंटेंस को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें समझनी होंगी। राम पिट गया, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो जिन्होंने शुरुआत से देखा है वो तो समझ जाएंगे सर हां सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लेकिन अमूमन ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, राम इज सब्जेक्ट सिंपल। माई डियर, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है कर्ता, वर्ब जो काम किया जा रहा है, और किए गए काम से जिस पे इंपैक्ट होता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, जिसके लिए काम किया जाता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, और जो काम करता है वो आपका कर्ता होता है, समझे, सब्जेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं, राम पिट गया, बच्चों ने बोला राम सब्जेक्ट है, मैंने गलत कर दिया, राम सब्जेक्ट नहीं है दुष्ट, क्यों, क्योंकि कर्ता वो होता है जो काम करता है। मान के चलो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने लेटर लिखा, तो यहां पर लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं कौन हुआ, सब्जेक्ट, कर्ता। काम क्या कर रहा हूं मैं, लिखना, लिखना क्या हो गई, वर्ब, क्रिया, और लिखने से जिस चीज पर इंपैक्ट हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, वो आपका क्या हुआ, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर काम क्या हो रहा है, यह नहीं है कि आप कहीं भी हु लगा दो और आपका सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ना मुन्ना ना, ये मत करना। यहां पर केवल और केवल वर्ब बताएगा व्हाट इज सब्जेक्ट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, केवल और केवल वर्ब बताएगा इफ सेंटेंस स्टार्टेड विद सब्जेक्ट और नॉट, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर काम क्या हो रहा है, पिटना, काम क्या हो रहा है, पिटना, तो पिटना हो गई हमारी वर्ब भाई, काम हो गई, क्रिया हो गई भाई, किसी पर हाथ पैर चलाओ क्रिया ही तो है। पिटा कौन, राम, हाथ पैर किसके टूटे, राम के, मुंह लाल पीला किसका हुआ, राम का, हॉस्पिटल में कौन मैं एडमिट हुआ है, राम। तो जितनी भी क्रिया की गई है हाथ पैर घुसों की, वो किस पे की गई है भाई, हाथ चले, घुसे चले, मुक्के चले, लाते चली, किस पर की गई, बेचारे पर, राम, हाथ पैर राम के टूटे, मुंह लाल पीला राम का हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट राम हुआ, तो राम हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट तो वो हुआ जो राम को पीट पाट के चले गए, जस्ट चिल, ओके ओके। यहां पर पिटा कौन है, राम, हाथ पर किसके टूटे, राम के, मुंह लाल पीला किसका हुआ, राम का, राम हुआ ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पर कोई काम करने वाला दिखाया ही नहीं गया है, सब्जेक्ट तो वो हुआ जो राम को पीट के चला गया, ओके तो सब्जेक्ट तो वो है जो राम को पीट के चला गया है, यस, यहां पर राम ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस यह ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, एग्री होना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि यहां पर राम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो है जो राम को पीट के चला गया। यहां पर घर किसको भेजा, उसको, तो ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि भेजने का प्रभाव इस पर चला है, सब्जेक्ट वो है जिसने उसको घर पे भेजा है, टीचर हो सकता है, फैकल्टी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो भेजने वाला है वो है सब्जेक्ट, और जिसको भेजा गया है वो है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हाँ वो आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। जब इसको भेजा गया तो पनिशमेंट भी यहां पर इसको मिला होगा, मिला होगा कि नहीं, तो यहां पर भी ही होगा, वो भी ऑब्जेक्ट होगा, और जब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव में होता है, और अगर आपने कभी भी एक्टिव पैसिव पढ़े हैं, माय डियर चैनल हमने अभी स्टार्ट किया है, तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही डिफरेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज उसका थोड़ा सा पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि जरूरत आन पड़ी है यहां पर, एक्चुअली सेंटेंस की नीड है, तो जरूरत आन पड़ी है, तो यार
समझ लेंगे बीच में से, प्लीज बीच में से समझ लेंगे इस पार्ट को। तो हैविंग पनिश इन द क्लास, यहां पर सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? ऑब्जेक्ट से। अगर इसको कायदे से अलग अलग किया जाए तो यह बनना चाहिए ही हैड पनिश्ड इन द क्लास ही वॉज सेंट टू होम, वो घर भेज दिया गया। भेजा किसको गया? इसको, ऑब्जेक्ट। तो पनिशमेंट भी इसको मिला होगा, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो ऐसे बनता है ना, वो पैसे में बनता है। थोड़ा सा समझते हैं, ही हैड पनिश्ड इन द क्लास, यहां तो देखने में ऐसा लग रहा है कि उसने पनिशमेंट दिया है क्लास में, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो सेंटेंस ये पनिशमेंट किसको मिला? इसको। सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो इसको हटाया ही होगा, तभी तो हैविंग आ गया। लेकिन यहां पर किए गए काम का इंपैक्ट इस पे पड़ रहा है, पनिशमेंट इसको मिला है, मुर्गा ये बना है, तो यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। और अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस पैसिव में होता है। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है। सपोज मान के चलो पनिशमेंट टीचर ने दिया, तो हम समझते हैं इसको फ्लैशबैक में थोड़ा सा अलग से समझते हैं। मैं देखता हूं, जैसे सेंटेंस आ गया टीचर हैड पनिश्ड हिम, टीचर हैड पनिश्ड हिम, टीचर सब्जेक्ट हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्टिव है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, पैसिव है। ऑब्जेक्ट हिम का हो जाएगा क्या? ही, हिम का ही, हेड का हेड। परफेक्ट वालों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो बीन लगाते हैं एज ए वेट के बाद, क्या लगाते हैं? बीन। बीन वो वाला बीन नहीं, बीन बजाती हुई नागिन, वो वाला बीन नहीं, यहां पर बीन लगेगा पैसिव की फॉर्म्स के लिए। जब मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, तो आपको बताऊंगा कि हम बीन क्यों लगाते हैं, बींग क्यों लगाते हैं, हम थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं, एक एक चीज क्लियर करूंगा, रटना नहीं है। वहां पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आखिर ये वर्ड्स हम जो अनदर वर्ड्स यूज करते हैं क्यों। यहां देखेंगे ही हैड बीन पनिश्ड बाय टीचर, यहां पर टीचर दिखाई नहीं गया, यहां पर दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई नहीं गया, तो यहां पर क्या लग गया? बीन, ये पैसिव में बन गया बाय टीचर। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए, समवन हैड पनिश्ड हिम, पैसिव बनाओ, एक्टिव हो गया ये, हिम का क्या हो जाएगा? ही हैड been punished by तो लगाएंगे नहीं, जब someone आया है कि someone had punished him तो subject है ही नहीं, full stop यही लग जाएगा। तो sentence किससे start है? object से। जब object से start होता है तो यहां पर क्या होना चाहिए? been। जब यहां पर been होना चाहिए तो देखो ये हो गया ही हैड बीन पनिश्ड इन द क्लास, ही वॉज सेंट, दोनों सेंटेंस ही से स्टार्ट हैं, इस ही को हटाया होगा, हेड में आई एन जी लगाया हो गया, क्या हो गया? हैविंग। यहां पर बीन आ गया, पैसिव में था इसलिए बीन लग गया पनिश्ड। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बीन क्यों लगाते हैं, परफेक्ट के सेंटेंस जब पैसिव में स्टार्ट होते हैं तो हैज हैड के साथ बीन लगता है, तो बीन आ गया एंड थर्ड फॉर्म आ गई इन द क्लास। इसमें हम कैसे नहीं पहचान पाए कि सेंटेंस पैसिव में, क्योंकि बाई के साथ में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया था, यहां पर जो है सीधा ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया गया था। बस आपको यही पहचानना है कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है या ऑब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट है दोनों के दोनों तो बीन नहीं लगेगा, ओनली हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है तो सेंटेंस पैसिव में है, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या? हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। मैं इसको अभी एक ट्रिक बताता हूं आपको कि हमें पहचानना कैसे है। वहां पर Having been punished in the class, he was sent. आप सेकेंड सेंटेंस को देखना, सेकेंड सेंटेंस में was के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ हो, is, am, are, was, were के साथ में थर्ड फॉर्म लगा हुआ हो तो पैसिव है, is, am, are, was या were के साथ में थर्ड फॉर्म लग रहा है पैसिव है, तो इसमें been लगेगा। और अगर सिंपल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब दे रखी है, सिंपल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब दे रखी है
तो एक्टिव है तो बीन नहीं लगेगा। यहां पर वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पता चल गया पैसिव है, बीन लगेगा बिना कुछ सोचे समझे। सेंटेंस अगर आ जाए इस तरीके से कि हैविंग ब्रोकन द ग्लास ऑफ माई विंडो ही रैन अवे, ग्लास तोड़ने के बाद में वो भाग गया। दूसरा सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई। एज एम आर वाचवर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं लग रहा है, एज एम आर वाचवर्ब के साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं लग रहा है ना, तो ये हमारा एक्टिव है, तो ये सही है। और अगर हैविंग ब्रोकन द लाइट ऑफ कार वॉज सेंट टू गेट रिपेयर, तो यहां पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है। सेंटेंस पैसिव में है, बिना सोचे समझे बीन लगा दो। आफ्टर दिस लेक्चर अलग अलग करके भी देख लेना एक बार और, जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लग रही होगी, इज एम आर वॉचवर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग रही होगी पैसिव में है, यहां वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है पैसिव में है, बीन लगेगा। यहां पर वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, हैविंग ब्रोकन द लाइट ऑफ माई कार वॉज सेंट, तो यहां पर द लाइट ऑफ माई कार इसका पार्ट हुआ, यहां पर कॉमा है, द लाइट ऑफ माई कार वॉज सेंट, तो यहां वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, इधर बीन लगेगा। यहां पर हैविंग ब्रोकन द ग्लास ही रहना, यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं लग रही है, यहां पर वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है, नहीं लग रही है, ये एक्टिव में है तो बीन नहीं लगेगा। वो सही है, दोनों सही, बीन लगाना था। तो क्लास डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप मुझे कमेंट में लिख करके देंगे कि सर इसी वाले पार्ट को, इसी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को आप अगेन बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, एक स्पेशल लेक्चर दे करके इसको अच्छे से समझाऊंगा। बीन एक बार और बता दूं मैं आपको, सेकंड सेंटेंस को देखना, सेकंड सेंटेंस में अगर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है तो वो पैसिव में लगती है, तो फर्स्ट सेंटेंस भी पैसिव में होगा, बीन लगाना है। और अगर पहले वाले, अगर दूसरे वाला सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, यानी कि सिंपल सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसमें कोई भी वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लग रही है, तो पहले वाला हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में होगा, उसमें बीन नहीं लगेगी। अगर बाद वाला पैसिव है तो पहले वाला भी पैसिव होगा, अगर बाद वाला एक्टिव है तो पहले वाला भी एक्टिव होगा, सिंपल यही था। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट्स लेकर के चलूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा कि सर आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ जो भी आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसका भी आप बताइएगा। शुरुआत के कुछ वीडियोस मैं आपको ओनली कॉन्सेप्ट्स पे दूंगा, फिर उसके हम जो है आपको आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, डिफरेंट एसपी टेस्ट सॉल्व करेंगे, यहां पर आपका प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करेंगे, किरण पब्लिकेशन से, एमबी पब्लिकेशन से, बीएससी पब्लिकेशन से, जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस में लगाते हैं, मुझे पता है कि जनरली उनको कहां प्रॉब्लम आती है। हम एक वोकैबुलरी का पार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, आप इसको प्लीज लाइक करिए, जितना हो सके लाइक करिए, और उससे भी ज्यादा इसको शेयर करिए प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।